अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को वोटिंग होगी। उससे पहले चुनावी मुकाबला लेडीज वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप हो गया है। वजह है ट्रंप का एक बयान जो उन्होंने कमला हैरिस के खिलाफ दिया था, जिसके बाद ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला नेता भी उतर आई है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल पहली बार चुनाव के प्रचार में आए और आते ही उन्होंने ट्रंप को महिला विरोधी बता दिया। बयान देते वक्त मिशेल ओबामा का पूरा फोकस महिलाओं पर था, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त कमला हैरिस के लिए महिलाएं ही सबसे बड़ा वोट बैंक है। अमेरिका में करीब 8.5 करोड़ रजिस्टर्ड महिला वोटर्स हैं। माना जा रहा है कि यही वोटर्स कमला हैरिस के लिए जीत की चाबी साबित होंगी। बड़ी बड़ी स्टार्स भी कमला हैरिस का साथ दे रही है। मशहूर अमेरिकन सिंगर बियॉन्से ने उनके लिए प्रचार किया। कमला हैरिस की बहन माया हैरिस भी बहन के लिए प्रचार में उतर आई है। माया हैरिस ने एरिजोना में एक दिवाली समारोह को संबोधित किया, जहां उन्होंने लोगों से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के समर्थन में वोट डालने की अपील की है। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।